वहां दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। बाढ़ को लेकर यह मीटिंग की गई है। कई मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और अमित शाह ने कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए, बिहार में हर साल बाढ़ की वजह से कई लोगों के आशियाने बिखर जाते हैं और यही वजह है कि इससे पहले ही यह हाई लेवल मीटिंग की गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह ने यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई। कई मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। तो बाढ़ से हर साल लाखों लोग इससे परेशान होते हैं, कई लोगों के आशियाने बिखर जाते हैं और ऐसे में बाढ़ से पहले की यह तैयारी है। दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाई लेवल मीटिंग की है और बाढ़ को लेकर यह मीटिंग की गई है। कई विभागीय मंत्री और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और अमित शाह ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो बाढ़ से पहले की यह तैयारी है और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, बाढ़ को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग की है, अमित शाह ने क्या जानकारी और किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? रश्मि, देखिए, देश में अगर बाढ़ से निपटने की संबंधित तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई है दिल्ली में, जिसमें जल विभाग से तमाम जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। उनके साथ में अगर हम बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री सी आर पाटिल और नित्यानंद राय उस बैठक में सहभागिता कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बताएं कि देश में हर साल मानसून की बारिश की स्थिति कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि के चलते बिहार, आसाम, अन्य पूर्वी राज्यों में कई क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मानसून सत्र के दौरान विभिन्न बैठक आने वाले समय में जो बाढ़ की स्थिति उससे निपटने के लिए जो तैयारियां हैं क्या क्या हैं, किस किस विभाग के जुड़े हुए लोगों से उन सबसे बातचीत की है। इससे पहले गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने व्यक्तिगत तौर पर हमें यह भी बताया था कि बाढ़ से निपटने के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कल हम शाम उनसे बातचीत कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ अन्य राज्यों में मानसून के दौरान भूस्खलन जिस तरीके से होता है, बारिश से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तराखंड में, हिमाचल में किस तरीके से पहाड़ के बीच का जो रास्ता था वो पूरी तरह से बाधित हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 37 लोगों की इसमें पूरी जान भी गई थी। इस साल जो भूखलन है वो तूफान और के कारण असम में जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 37 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। बिल्कुल अंकित, इसके साथ ही बिहार से अगर हम बात करें तो कोसी नदी में भी हर साल जलस्तर बढ़ने से लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं और ये हर साल की तस्वीर हमें बिहार से देखने को मिलती है, इस पर भी चर्चा हुई है इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए, बिहार से जो केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस बैठक में सहभागिता कर रहे हैं और अभी हाल ही में जिस तरीके से जो दो तीन नदियों के वहां पर पुल टूटे उस पर भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने के देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से हाहाकार बिहार के अंदर भी जलमग्न तरीके से होता है उस पर भी चिंतन और मंथन किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, उनको कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो पाए उससे पूर्ण रूप से निपटने के लिए बिल्कुल अधिकारी सक्षम और तैयार रहे और बाढ़ आने से पहले हर स्थिति के साथ चप्पे चप्पे पर जो विभागीय अधिकारी है वो मौजूद रहे और ग्राउंड जीरो पर जाके वो जायजा करें और कहीं ना कहीं आने वाले समय फिर दोबारा देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की पूरी पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाढ़ से पहले की ये तैयारी है, मानसून आते ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने यह हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में विभागीय मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह की तरफ से कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और बाढ़ को लेकर मुकम्मल तैयारी की जाए, इसे लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।